नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक दोस्तों, ये है बॉडी बिल्डिंग की सीरीज साइंस ऑफ सप्लीमेंट्स। और आज आप लोगों की दरख्वास्त पे हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन पे। टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से आता है, कितना चाहिए आपको, कैसे बूस्ट होता है, कैसे कम होता है, क्यों किसी में कम है, क्यों किसी में ज्यादा है, ये सब आज देखेंगे। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है, ईस्ट्रोडियोल क्या है, गायनेकोमास्टिया क्यों होता है, ये सब का जवाब आज मिलेगा आपको पूरी विस्तार से डिटेल में। सो वीडियो होगा लंबा और होगा दो पार्ट में। पहला पार्ट देखना कंपलसरी, दूसरा पार्ट देखना भी जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर पे वीडियोस बनाता हूं और सारी जानकारी ऑथेंटिक वेरीफाइड होती है। इस वीडियो के नीचे भी हम लिंक्स देंगे जहां से आप रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है, प्राइमरी मेल हार्मोन, मेन मेल हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है। और ये मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी होता है। जी हाँ, फीमेल में 20 गुना कम होता है लेकिन होता है। और ये बनता कहां से है, ज्यादातर ये हार्मोन आपके टेस्टिस बनाते हैं ज्यादा मात्रा में, फीमेल्स में ओवरीज बनाती हैं। और इन दोनों में ही मेल फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड जो है, जो स्टीरॉइड बनाते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं कुछ मात्रा में। और जैसा मैंने कि आपको स्टीरॉइड वाले वीडियो में समझाया था, अगर आपने स्टीरॉइड वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्टीरॉइड का वीडियो जरूर देखिएगा। एनाबॉलिक स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टीरॉइड की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। और टेस्टोस्टेरोन जो बनता है ये भी एक स्टीरॉइड है। और हर स्टीरॉइड नॉर्मली जो बनता है कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल मात्रा में खाना भी जरूरी है, ठीक। और टेस्टोस्टेरोन जो आपका इससे बनता है, टेस्टिस से, यहां से, सब जगह से, इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मतलब अगर ये कम ज्यादा होगा तो पीछे आपके दिमाग को, ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन से इसको कंट्रोलिंग सिग्नल होता है, ब्रेन से इसको जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो फीमेल्स के भी सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी एक चीज कंट्रोल करती है, LHRH, राइट। सो पिट्यूटरी और ऊपर उसके हाइपोथैलेमस, तो सब एक दूसरे को कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये पूरा लूप है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा आपका LHRH बढ़ जाएगा, और अगर एड्रिनल ग्लैंड से कम होगा तो ACTH बढ़ जाएगा। ACTH भी उसका फीडबैक मैकेनिज्म है, वहां ज्यादा होगा, किसी कारण से आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो फीडबैक जाएगा कि भाई टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, वो कम कर देगा उसका स्टिमुलेशन। सो ये फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक लूप है, राइट। सो ये भी समझना जरूरी है। इसीलिए जो लोग टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्शन लेते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक से वो कट हो जाता है, ठीक। सो आइडिया इज टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, क्यों, कैसे, कहां। सो आपके शरीर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स काफी सारे ऑर्गन्स में है, जैसे कि आपके स्किन में है, आपके हेयर्स में है, हेयर फॉलिकल्स में यानी, और आपके लिवर में है, मसल्स में है, ब्रेन में है, राइट, बोन्स में है, और साथ ही आपके जो जेनाइटल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सबाइनल वेसिकल, जो मेल फीमेल जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर है, राइट। सो ये सारी चीजों में एंड्रोजन रिसेप्टर, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन उस पर जाके एक्ट करता है। पहला सबसे बड़ा एंड्रोजन आपका टेस्टोस्टेरोन है, और ये उस रिसेप्टर पे बाइंड करके आपके उस एक्टिविटी को, अपने फंक्शन को करता है, ठीक है। और आपको ये जानना जरूरी है कि जितना भी टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर बनता है रोजाना, रोज बनता है, सुबह शाम बनता है, राइट, लगातार बनता है, ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन जितना है उतना ही रहेगा, वो महीना भर कम होता रहेगा, ऐसा नहीं है, रोज बनता है। और जितना भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, आपके खून में जो आता है वो फ्री नहीं रहता, सिर्फ 2% उसका फ्री होता है, बाकी का 98% बाउंड होता है, प्रोटीन बाउंड।
और मैक्सिमम इस प्रोटीन में 40 to 60% एक प्रोटीन होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इस प्रोटीन के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है और बाकी का जो बचा वो बाइंडेड होता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन या दूसरे जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है उनके साथ। सो प्रोटीन बाउंडेड टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली एक्टिव नहीं होता, जो एक्टिव होता है वो सिर्फ 2% उसका जो फ्री फॉर्म है वो एक्टिव होता है। इसीलिए जब टेस्ट करते हैं तो फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों का टेस्ट करना जरूरी होता है। और ये जो 2% सिर्फ जो 2% फ्री है ये भी उन टारगेट ऑर्गन्स में एंड्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करता है और ये वहां पर जाके खुद तो एक्ट करता है, ये साथ ही एक और उससे ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट में तब्दील हो जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन ही डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है एक एंजाइम के चलते 5-अल्फा रिडक्टेज। टेस्टोस्टेरोन से 2.5 गुना 2.5 times मोर एफिशिएंट है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के सारे काम करने के लिए। और इसी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको मिलते हैं आपके मेल कैरेक्टर्स, आपको मिलते हैं आपके जो भी मस्कुलैरिटीज, जो मस्कुलर मसल ग्रोथ है, जो आपकी मैच्यूरेशन है आपके जेनाइटल ऑर्गन्स की, जेनाइटल ऑर्गन्स की जो मेल फीमेल ऑर्गन्स की मैच्यूरेशन इस पे डिपेंड करती है, आपकी वॉइस डीप इससे होती है, फेशियल हेयर बॉडी हेयर इससे आते हैं। सो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी आपके खून में थोड़ा सा रहता है, 5-10% खून में घूमता है, 90% के आसपास वो टारगेट ऑर्गन्स में ही होता है। सो टेस्टोस्टेरोन इसके अलावा एक और चीज में तब्दील होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का ईस्ट्राडायोल फॉर्म बनता है। ईस्ट्राडायोल बनता है दो जगह, एक लिवर में एक फैट में एडिपोज टिश्यू में, और ये बनता है एक एंजाइम एरोमेटेज एंजाइम की मदद से। एरोमेटेज उसको कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत ही कम, 0.3% मेल्स में, ठीक है, 0.3% ईस्ट्रोजन बनता है। और ये ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का मेन फंक्शन प्यूबर्टी के टाइम पे होता है आपकी एपिफाइसिस, लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस को फ्यूज करना, मतलब जो हड्डियां बड़ी होती जाती हैं उसके एंड में ये हड्डियों के ग्रोथ प्लेट होता है, वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज कर देते ताकि आपकी हाइट रुक जाए। तो ईस्ट्रोजन का काम है आपकी हाइट रोकना। जी हाँ, राइट। और जब हाइट रोकने की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से हाइट चलती है, क्योंकि ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ स्पर्ट भी करता है। फीमेल्स में हाइट जल्दी बढ़ती है 8 से 13 साल की उम्र में उनका प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट होता है, और मेल्स में कुछ साल बाद, 2 साल बाद 10 से 15 साल की उम्र में होता है। इसलिए मेल ज्यादा दिनों तक ग्रो करते रहते हैं और फीमेल जल्दी, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, राइट, इसीलिए। और यही हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन आपके एक्ने, आपके जो बॉडी ओडर, राइट, और जो आपके एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स का भी जिम्मेदार है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, आपके मूड को, आपके कॉग्निशिव फंक्शन को, जो आपकी अटेंशन है, कॉग्निशन है, उसके फंक्शन को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, डिप्रेस लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और ये लिबिडो भी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन आपका लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा जगाता है, लिबिडो बढ़ाता है, राइट, आपकी, और साथ ही स्पर्म काउंट, स्पर्म डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन पे भी डिपेंड करती है, टेस्टोस्टेरोन से ही स्पर्म डेवलप होते हैं। तो ये हुआ, उसके बाद इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी, उसके बाद आपका पेन कंट्रोल, जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है उनमें उतनी ही मर्दानगी होती है, पेन सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है, सो पेन कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है टेस्टोस्टेरोन के चलते, बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है अगर आपके इंटरनल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, और इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स गलती नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव होता है। और साथ ही आपके प्रोटीन्स, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तभी मसल ग्रोथ होगा, और मसल कैटाबॉलिज्म कम हो जाता है, मसल्स का यूज होना एज एनर्जी वो कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के वजह से,
और साथ ही आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी वो इफेक्ट करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 उसको ये मॉड्यूलेट करता है, और उसके चलते रेगुलेशन के चलते आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर कुछ मिनरल्स और आयन्स बढ़ाता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन फॉस्फेट का रिटेंशन करता है, यानी ये और लेवल आपके अंदर जमा होंगे इनके, तो ये ज्यादा होगा तो वाटर भी रिटेंशन होगा, इसलिए कई लोगों में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो ये सारे काम करता है टेस्टोस्टेरोन, रिमेंबर दिस। सो एक काम नहीं होगा सिर्फ, होगा तो सारे होंगे और सबके सब होंगे, तभी टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स में एडिमा होता है, स्वेलिंग होता है, जिन लोगों को दिया जाता है एज अ मेडिसिन। तो किसको दिया जाता है एज अ मेडिसिन? उन्हीं को दिया जाएगा जिनको उसकी जरूरत है, जिनको हाइपोगोनाडिज्म है, यानी कि जिनके अंदर सेक्सुअली सेक्सुअल हॉर्मोन्स उनके नहीं बन रहे, जिनके जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स और वो सही से काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है बचपन से नहीं कर रहे, कंजेनाइटल, हो सकता है एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड क्यों होगा? अगर एक आधा टेस्टिस जो है नीचे नहीं आया तो वो नहीं काम करता सही से, अगर एक टेस्टिस जो है वो निकाल दिया ऑपरेशन से या किसी कारण से, चोट से कुछ से, तो कम हो जाएगा। अगर टेस्टिस आपका टॉर्जन हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ होगी, इंफेक्शन हो गया, कुछ हो गया, खराब हो गया, तो फिर आपका हॉर्मोन्स कम हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन, तो फिर आपको सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म भी हो सकता है अगर मान लो आपके पिट्यूटरी जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वहां डैमेज हो जाए, बहुत ज्यादा रेडिएशन ले लो, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, अंदर कोई डैमेज इन्फेक्शन वहां हो जाए जहां से एक्चुअल उसका फीडबैक लूप है, वहां का कंट्रोल मैकेनिज्म सर्किट भी खराब हो गया, तो भी आपको हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। उस केस में बच्चों में ग्रोथ नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। यहां तक के ब्रेस्ट कैंसर वाले केसेस में भी टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म, कई लोगों ने लंबे समय के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले लिए हैं, तो उनके केस में टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, क्योंकि उनके केस में यही लूप जो होता है LH और FSH वाला, वो इनिबिट हो जाता है, हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है। सो ये जब देते हैं टेस्टोस्टेरोन कैसे देते हैं? और एक बात बता दूं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले केसेस में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है तो टेस्टोस्टेरोन देने का कोई फायदा नहीं होता। फिर भी अगर कोई लोगों को दिया जाता है, कई लोगों को जो दिया जाता है टेस्टोस्टेरोन मेडिकली एज अ मेडिसिन, तो वो दिया जाता है सिर्फ दो फॉर्म में, या तो पैच दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन का पैच होता है, स्किन पैच, जो धीरे धीरे इसमें से टेस्टोस्टेरोन एब्जॉर्ब होता है, और उसमें से भी 10% एब्जॉर्ब होता है बस, और या फिर इंजेक्शन से दिया जाता है। और ओरली अगर आप खा रहे हो कोई दवा, तो वो दवा आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, सिर्फ बहुत ही कम उसका एब्जॉर्प्शन है, less than 10%, वो भी लिवर में जाती है डायरेक्ट, और लिवर उसको ज्यादातर यूजअप कर लेता है, खराब कर देता है, और वो इफेक्टिव नहीं रह जाती, बहुत कम इफेक्टिव होती है, मोस्ट ऑफ इट गेट्स। और किसी भी प्रकार का टेस्टोस्टेरोन हो, जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर बनता है, उस टेस्टोस्टेरोन की एक हाफ लाइफ है, ऐसा नहीं कि बन गया तो रहेगा जिंदगी भर, वो रोज बनता है, हर रोज, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 10 से 100 मिनट की है, 10 से 100 मिनट के अंदर अंदर वो जितना था आधा हो जाएगा, फिर उससे आधा हो जाएगा हर 10 से 100 मिनट में, तो 10 से 100 मिनट में आधा होगा, 100 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो पूरे दिन में आपको फिर रेगुलर, फिर रोज, हर रोज चाहिए। सो हर रोज पूरे दिन में बस्ट बूस्ट होते रहते हैं टेस्टोस्टेरोन के। इतनी छोटी सी बात नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट एक बार ले ली या इंजेक्शन ले लिया तो हो गया जिंदगी भर का कोटा पूरा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए समझिए काम कैसे होता है, काम कैसे करते हैं, और अब हम बताएंगे कि साइड इफेक्ट क्या है। अगर आपने फिर भी इंजेक्शन ले लिए, फिर भी पैच ले लिया, जरूरत भी पड़ गई मान लो हाइपोगोनाडिज्म, तो भी साइड इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट को समझना जरूरी है। विरिलाइजेशन बोलते हैं कि मेल हॉर्मोन्स बढ़ेंगे तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आपकी स्किन थिक होगी, हेयर थिक होंगे, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, आपकी मसल्स ग्रोथ होगी, डीप वॉइस होगा, राइट, ये सब होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट का स्ट्रोक और दिमाग का स्ट्रोक आ सकता है, आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, अंदर अंदर क्लॉट बन सकता है, पानी जमा हो सकता है जैसा मैंने बताया, और साथ ही आपको इरेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है, यू कैन हैव अ बोनर, राइट, आपको प्रोलॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी और बहुत लंबे समय के लिए इरेक्शन आने हो सकते हैं, ऐसे शुरू हो जाए जो कि बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है आपको गायनेकोमेस्टिया हो जाए, क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो तो ज्यादा ईस्ट्रोजन भी बनेगा, अगर फैट है आपके अंदर तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा 0.3%, तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम होगा आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, साथ ही साथ भी हो सकता है।
और बताने की जरूरत नहीं है, लंबे समय अगर आपने लिया तो लिवर, किडनी, हार्ट डैमेज होता है परमानेंट, राइट। साथ ही आपकी नींद कम हो जाएगी, हेडेक आने लगेगा, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी हो सकती है अगर फीमेल्स लेने लग जाए या उनको जरूरत पड़ जाए, और साथ ही आपके जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो ग्रो होगा, फीमेल्स के क्लाइटोरिस बड़ा हो जाएगा, और कैल्शियम लेवल्स आपके कम होने लग जाएंगे। अगर जरूरत से ज्यादा ले रहे तो फीडबैक लूप से वो माइनस हो जाता है, तो बोन ग्रोथ जो एक्चुअली बंद हो जाती है, इंटरनल वाला आएगा तो वो आपकी बोन ग्रो करेगा, एक्सटर्नल वाला आएगा वो बोन खराब करेगा, कैल्शियम यूरिन में निकालेगा। सो रिमेंबर दिस, राइट। तो ये हुई बात कि टेस्टोस्टेरोन काम कैसे करता है, देना भी हो तो मेडिकेशन कैसे दी जाती है, कितनी दी जाती है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या बूस्ट करता है और क्या डिक्रीज करता है आपका टेस्टोस्टेरोन इन डिटेल, और उसको टेस्ट कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे पार्ट टू में। तो ये पार्ट जरूर शेयर करिए, देखते रहिए हमारा चैनल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। पार्ट टू का लिंक नीचे आएगा जैसे ही पार्ट टू आएगा, और पार्ट वन देखना जरूरी है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।